सोसाइटी में तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है लोगों की, तो फीमेल की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या कोई इस तरह घरेलू झगड़े होते हैं या कोई इस तरह और क्रिमिनल केसेस में, तो इन शरायतों पे या कोई ऐसी मतलब इसका कोई घर वाले या कोई ऐसा घर में कि यार इसकी कोई सहूलत नहीं देते हैं उनको, कोई रोज़गार वगैरह और इसकी इस दुनिया में कोई भी ना हो, तो दारुलामान में इंशाल्लाह हम उसको एडमिशन देते हैं। और अक्सर ये वो लोग होते हैं कि जब वो या कोई क्रिमिनल केसेस में होते हैं उनको लाइफ के मतलब थ्रेड्स मिलते हैं और वो अपने घर में या कोई ऐसी जगह महफूज नहीं होती है, तो दारुलामान इनके लिए एक पनागाह होते हैं, तो इस वजह से वो दारुलामान में दाखिला कर लेते हैं। मेरा नाम निसार अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हूँ। दारुलामान हमारे लिए दिलूर के लिए बहुत ज़रूरी है और ये तारीख में पहली बार जितनी भी हुकूमत गुजरी है इस हुकूमत में इसके इनागोरेशन को हुई। हमारी मलक्कन डिवीज़न में सिर्फ सवात में दारुलामान है और इसमें हमारी दीर, लोअर, अपर और चतरार, बाजौल, इन ज़िलों की भी बहुत ऐसी फीमेल है जो उनको मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेड्स मिलते हैं, तो वहाँ पर दारुलामान सवात में होती है, तो इस वजह से हमारी दीर तेमरगरा में दारुलामान की बहुत ज़रूरत थी। ये इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ के बहुत से फीमेल स्वात को मतलब जाना और वापस आना, इसमें बहुत से मुश्किलात रास्ते में होते हैं और ये असल में माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। जिस तरह हमारे मेल में या कोई झगड़े वगैरह होते हैं तो फीमेल में भी इसी तरह होते हैं, तो इसके लिए ये दारुलामान बहुत ज़रूरी था कि यह हमारे जो बहनें हैं या माएँ हैं, तो इस वजह से इन लोगों ने बहुत एफर्ट्स की और मतलब कोशिश की कि यार दिलूर में भी दारुलामान बनाई जाए। हमने ये सेक्रेट में ये बिल्डिंग रेंटेड पे ली है इमरजेंसी की तौर पर। ये 6 मरले का बिल्डिंग है, इसमें 3 पोर्शन है और इसमें तकरीबन 50 तक कैपेसिटी होगी और इसमें तकरीबन 7-8 कमरे हैं और किचन है, अटैच बाथरूम है, पानी का बंदोबस्त भी है, बिजली भी है और सुई गैस का मतलब फैसिलिटीज़ भी है, तो इंशाल्लाह ये इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। तकरीबन हमारे 20 से 25 फीमेल ऐसी है कि हमारे वो बाजौल डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, अपर दीर से, चतराल से और हमारे दिलूर की भी है, वो सवाद दारुलामान में ऑलरेडी है, तो इंशाल्लाह हम उसको भी शिफ्ट करेंगे इधर। और हमारे स्टार्ट में कुछ ऐसी मतलब जो स्टाफ है उसकी कुछ कमी है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द ये हमारे जो डिपार्टमेंट है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है डीसी साहब उनके कोशिशों से इंशाल्लाह ये तकरीबन बस टाइम बहुत कम लगेगा और ये सहूलत भी उनको हम फराहम करेंगे और ये हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके एडमिशन स्टार्ट करेंगे। दारुलामान एक ऐसी जगह है कि ये गवर्नमेंट ने बनवाई है और इसमें इन लोगों के लिए सिक्योरिटी होती है, क्योंकि अगर कोई इस तरह ये तो माशरा है, इसका कोई भाई भी होता है या बाप भी होता है या कोई और रिश्तेदार होते हैं, तो बाज़ वो ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो दारुलामान में आ जाए। और मतलब ये भी हम नहीं कह सकते कि ये अच्छी जगह नहीं है,
नहीं ये अच्छी जगह तो ये कोई कह नहीं सकता क्योंकि इसमें लोगों की हिफाजत होते है। तो अगर घर में कोई बंदा कई थ्रेड वगैरह मिल जाते हैं तो इस वजह से जो है ना ये दारुल अमान में आ जाती है। इसमें हम ओकेशनल सेंटर भी बनाएंगे। ओकेशनल सेंटर में ये लोग जो सेविंग मशीन है वगैरह इसमें मुख्तलिफ किस्म के कढ़ाई शढ़ाई या कोई ऐसी घरेलू जो कपड़े वगैरह बनाते हैं वो हम इसको मतलब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये फराहम करेगा। और बाकी इसमें हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए कोई स्टडी का या लाइब्रेरी या कोई ऐसी चीज़ जो जिसमें एजुकेटेड फीमेल हो तो इसके लिए हम एक लाइब्रेरी भी बनाएंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये लोग जो है ना ऐसे टाइम यह गुजारे कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो और ना वो मतलब ऐसी मुश्किलात में रहे कि मसला बन जाए। तो इंशाल्लाह हम उनको कोशिश करेंगे कि हर फैसिलिटी देंगे इंशाल्लाह।